हेलो डियर जीबी पीडीएस फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड द सच प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फाइनली जीबी पीयूटी की पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिलीज हो चुकी है। तो जो भी बच्चे जीबी पीयूटी के पहले राउंड के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, वो नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपनी अलॉटमेंट लेटर को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेकआउट करना है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, प्लस जिस बच्चे को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है उनको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम आगे आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि बहुत सारी अपडेट्स आपको फर्दर मिलने वाली हैं। तो नॉर्मली आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आपको चेकआउट करना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट को लिंक ओपन करते हो, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी केवल यूजी कोर्सेज के लिए अलॉटमेंट लेटर रिलीज की गई है। पीजी का अलॉटमेंट लेटर 26 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे चेकआउट करना है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको देखोगे यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में आपको लॉगिन करने का सेक्शन दिया गया है। आपने जिस भी यूजी कोर्स के लिए या फिर आपने अगर डिप्लोमा वेटनरी फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आप उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, आइए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करते हो आपका प्रोफाइल आपके होम पेज पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस देखो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर में यूजर एक्टिविटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। ठीक है, टच करते ही इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट फी रिसिप्ट और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर को, आपको उसको ओपन करना है। ठीक है, आपको जो भी कोर्स अलॉट हुआ होगा जिस भी कैटेगरी में, या फिर नॉर्मल सीट या फिर पेड सीट, जो भी आपको कोर्स अलॉट हुई है वो सब कुछ आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको शो करेगा। ठीक है, एक बात और, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन किया हुआ था उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है। हम आपको लाइव इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे हमारी पेड काउंसलिंग का, सभी का अलॉटमेंट हो चुका है। अभी जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, हमने उनसे प्रॉमिस किया कि सेकेंड राउंड तक उनको भी कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। अभी जैसे कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किसी एक कैंडिडेट का जो कि हमारी पेड काउंसलिंग के मेंबर हैं, और इनको भी इनकी रैंक पे नॉर्मल सीट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीट अलॉट हुई है। ठीक है, और ऐसे ही काफी सारे बच्चे हैं जिनको कि नॉर्मल सीट अलॉट हुई है, और जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा थी या फिर जो अदर स्टेट के थे उनको भी पेड सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है। आपको जिस भी कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है, नॉर्मल सीट या फिर पेड सीट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पेड सीट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अलॉटेड प्रोग्राम्स इनका रैंक जो था वो आई थिंक 250 के ऊपर था। ठीक है, 300 के अप्रॉक्स में था, और इनको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिली है नॉर्मल सीट, और इनकी डोमिसाइल उत्तराखंड थी। ठीक है, इसके बाद अभी इनको क्या करना है कि इनकी जो नॉर्मल सीट है इनको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, इनको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, फिजिकली वेरीफाई होना पड़ेगा 27 सितंबर तक। ठीक है, 27 नवंबर को मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 4 PM तक ये कॉलेज विजिट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के इस सीट को कंफर्म कर सकती हैं। इसके अलावा आपको फी पे करने के लिए टाइम दिया जाएगा। फी पे करने के लिए यहाँ पर लिंक जनरेटेड है। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन आप लोग फी 27 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक कभी भी पहले सेमेस्टर की जो फी है 50,000 फॉर बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट, आप इसको पे करके सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है उनको कुछ नहीं करना है, सेकंड राउंड की वैकेंट लिस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और जिनको अपने सीट के अलॉटमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को एग्रीकल्चर चाहिए होता है, वेटनरी चाहिए होता है, लेकिन उनको कम्युनिटी साइंस अलॉट हुई है, वो सारे लोग अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका सीट रिजर्व हो जाएगा और आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको सीट को एक्सेप्ट नहीं करना है, नॉर्मली सेकंड राउंड के नोटिफिकेशन का वेट करना है। तो जैसे सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन आती है, जिनको अलॉट नहीं हुआ या फिर जो सेटिस्फाई नहीं है, वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई है वो नॉर्मली फी के पे करके कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंस होके अपनी सीट को सक्सेसफुली फी सबमिट करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। सो जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। पहले राउंड में ही हमने मैक्सिमम 30-35 बच्चों का सिलेक्शन दिया हुआ है, टोटल ओवरऑल 50 बच्चे थे। ठीक है, अभी जो 15-16 बच्चे बचे हुए हैं उनका हम सेकंड राउंड में कोई ना कोई कोर्स उनको अलॉट कराते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को वीडियो के कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।